हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किड्स ऑन। मेरा नाम है असद और आज हम डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे। चलो लेट्स लर्न। ये है एलोसोरस। ये बहुत बहुत ज़्यादा चलाक डायनासोर होता है। ये सोच समझ के डायनासोर का शिकार करता है, दूसरे डायनासोर का शिकार करता है और ये गोश्त खाता है। और ये देखिए, इसके थोड़े थोड़े दांत दिख रहे हैं ना, इन दांतों से इतनी जोर का पकड़ता है डायनासोर भाग नहीं पाता। उसको गिरा के उसके उसके गले को थोड़ा सा काट के उसको उसकी जान निकाल के उसको खा जाता है। चलो अब हम ना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्लू वेलोसिराप्टर, मतलब कि एक छोटा सा डायनासोर जो हमारे कद के जितना होता है, मतलब बड़ों के। ये एक ऐसा कार्निवोर, मतलब मीट खाने वाला, गोश्त खाने वाला डायनासोर है जो इतनी तेज भाग के किसी डायनासोर के ऊपर जंप मारता है, फिर उसको खरोचने लग जाता अपने नाखूनों से और अपने दांतों से। ये देखो उसके दांत नोकीले हैं। उसकी मदद से वो इतनी जोर का काटे करता है कि थोड़ा सा उसका खून निकलने लग जाता है। वो मांस निकालता है, फिर वो डायनासोर की वो जान निकाल के उसको खा जाता है। और ये देखिए कितने ज़्यादा उसके नोकीले नोकीले पंजे हैं। इनसे वो चढ़ के उनको ऐसे करके इतना ज़्यादा खरोचता है, उनको इतना दर्द होता है और वो दूसरे डायनासोर को मार के वो खा लेता है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टीरेक्स। इसका वैसे छोटा नाम तो टीरेक्स है, फुल नेम टायरानोसोरस रेक्स एंड नॉट फुल नेम टायरानोसोरस। ये होता है डायनासोर का राजा। ये इतना ताकतवर होता है कि इसको इतनी ज़्यादा ताकत चाहिए इसको मारने के लिए कि वो मर जाए। इसके देखो कितने ज़्यादा खतरनाक दांत हैं, इतने बड़े बड़े कि ये डायनासोर उनके साथ फाइट करता है। अगर वो जीत जाए तो खा लेता है उसको। ये देखिए इसके पैर भी इतने बड़े बड़े हैं, वो अगर डायनासोर नीचे गिर जाए तो उसके ऊपर पैर रख के उसको मारना शुरू कर देता है कि वो जल्दी से मर जाए, हमें अपना खाना खा लूँ। और ये गोश्त खाता है। चलो और ये इतना ज़्यादा चलाक भी होता है। ये झुंड का एक इंतज़ार करता है कि कोई डायनासोर का झुंड आए, कोई मैमथ का नहीं मतलब डायनासोर का। अब उसको जाके जब झुंड आता है, चुपके जाते जाते उसका झट से शिकार कर लेता है। डायनासोर कहता है ये कौन आ गया, भागो, फिर वो उसके पीछे पड़ के उसको खा जाता है। चलो अब नेक्स्ट डायनो पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रायसेराटॉप्स। मतलब आप सोचेंगे ट्रायसेराटॉप्स का क्या मतलब, मतलब उसकी तीन है वो सींग और ये देखिए ये टॉप्स, इसलिए इसका नाम ट्रायसेराटॉप्स। ये देख, ये होता है हर्बीवर, मतलब ये पत्ते, पेड़ के पत्ते, घास ये वगैरह खाता है, गोश्त वो कुछ भी नहीं खाता। ये देखे इसके सींग देखे कितने ज़्यादा नोकीले, वो भी थी यहाँ पे कितना बड़ा, ये भी इतना गया है। ये यहाँ पे उसकी थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर कोई छोटा डायनासोर आ जाए जो मीट खाता हो मतलब गोश्त, तो उसको वो मार दे ऐसे करके तो ये अगर कोई इसके साथ डायनासोर लड़ाई करने आता है, मतलब जैसे कि टीरेक्स या फिर एलोसोरस कोई भी गोश्त खाने वाला डायनासोर, फिर उसके साथ वो अपने सींगों के साथ लड़ाई करता है। अगर डायनासोर की थोड़ी सी ज़्यादा पावर रह गई हो ना तो करता है गले में ना अपना सींग घुसा देते हैं कि वो मर जाए, मेरी जान छूटे और मैं जाके जल्दी से फिर पत्तियाँ भी खा लूँ, फिर उसको मार के जाता है। हम नेक्स्ट डायनो है एंकिलोसोरस। ये देखो, ये आपने तो मूवी में भी देखा होगा, जुरासिक वर्ल्ड की मूवी में है। और ये देख,
ये आपको ये पूंछ दिख रही है ना, आप सोच रहे होंगे ये पूंछ पे गोल गोल सा क्या चीज दिख रही है। ये उसका हथौड़ा पूंछ है। ये जो उसकी पूंछ पे गोल गोल लगा है ना, ये कभी भी नहीं टूटता। इसके इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, उसको इतनी डायनासोर को इतनी जोर का मारता है, उसकी यहाँ नीचे वाली हड्डी ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ हिलती है, फिर भी वो अभी लड़ाई जब करते हैं ना, ये रही जिसकी हार्ड स्किन पे जब अटैक करता है ऐसे अपने मुंह से, तब फिर उसको कुछ भी नहीं होता। इसकी स्किन तो देखे कितनी ज्यादा हार्ड है, जैसे क्रोकोडाइल की ऊपर से हार्ड होती है, नीचे से सॉफ्ट होती है, उसका कुछ होता है नीचे स्टमक इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, वैसे इसके साथ भी है, हार्ड स्किन ऊपर से नीचे से है सॉफ्ट स्किन। ये एक हर्बीवर डायनासोर है, मतलब जो पेड़ पौधे खाते हो, जो पिछला डायनासोर आया था ट्राइसेराटॉप्स उसकी तरह। नेक्स्ट डायनासोर है स्पाइनोसोरस। आप सोच रहे होंगे स्पाइनोसोरस का क्या मतलब, ये देखिए इसकी जो स्पाइन है ना, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है स्पाइनोसोरस। इसकी स्पाइन है और फिर ओ डाला फिर सोरस स्पाइनोसोरस। ये होता है कार्निवोर डायनासोर, मतलब कि जो गोश्त खाता हो वो वगैरह वगैरह मांस। ये देखिए इसका मुंह कितना लंबा, क्रोकोडाइल जैसे बिल्कुल ये दिखता है। इसके बस पैर पूंछ हाथ का ऊपर रखे, बाकी मुंह से पूरा क्रोकोडाइल लगता है। ये देखिए कितना लंबा है, दांत भी इसके कितने नोकीले हैं, पर स्पाइनोसोरस ही टीरेक्स को हरा सकते हैं, क्योंकि स्पाइनोसोरस ज्यादा ताकतवर होता है टीरेक्स से, और उससे बहुत बड़ा भी होता है। ये भी चिलाकी करता है, ये जाता है डायनासोर का हंट करने। अगर चिलाकी ना करे तो फिर भी उसका हंट कर लेता है। मैं बताता हूँ कैसे, अगर ये पानी में अगर हंट करना है तो ये ऐसे ऐसे स्विम कर सकता है पानी के अंदर, क्रोकोडाइल की तरह। फिशिज का इसको फिशिज बहुत पसंद है, ये फिशिज को हंट करने जाता है अगर कोई डायनासोर ना मिले। और फिर ये जो इसका मुंह है ना इतना बड़ा है, खोलता है ऐसे करके, टीरेक्स से भी इसका इतना लंबा मुंह है। और ये देखिए ये ना अपने ना चारों हाथों पे चल सकता है। टीरेक्स और एलोसोरस तो चल नहीं सकते, पर ये जरूर चल सकते हैं, इसके इतने बड़े हाथ जो हैं, ये कोई चीज ऐसे करके पकड़ भी सकता है ऐसे। ये तो हो गए डायनासोर की टाइप्स। अब हम बात करेंगे कि डायनासोर कैसे खत्म हुए। एक एस्ट्रोनॉइड था, मतलब एक इतना बड़ा पत्थर, मतलब छोटा तो था, अर्थ से छोटा था, पर इतनी तेजी से बिलियन, जितने भी डायनासोर को साल बिलियन मिलियन हुए ना, उतने सालों से इतनी ज्यादा गर्माइश लेके आया, और ग्लो इतनी ज्यादा मतलब गैसेस। और फिर जब वो अर्थ के करीब आया, इतनी ज्यादा गर्माइश इतनी ज्यादा गैसेस के साथ आया, और ऐसे ऐसे लगा और जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ऐसे ऊपर की तरफ, पता नहीं ऐसा लगा जैसे पटाखे ऊपर जा रहे हो, चार लेयर जा रही थी ऊपर की तरफ। तो फिर ऐसे करके एक डायनासोर का झुंड जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह वो फटा उनके आगे, फिर वो मार नहीं रहे थे, वो आगे जा ही जा रहे थे, तो उनकी जो गर्दन की स्किन है ना वो उतरने लग गई, इतनी ज्यादा जलने लग गई हॉट। फिर क्या उनके ऊपर जब आया धमाका, तो वो ऐसे जब धमाका गया तब वो सारे सारे गिरे हुए थे, मरे हुए थे, खून बह रहा था, इतने सब पूरी अर्थ पे गया था धमाका, छोटे से एस्ट्रोनॉइड की वजह से अर्थ से छोटा था, हमारे लिए बड़ा था, पर फिर भी इतना बड़ा धमाका कि पूरी अर्थ पे गया। ऐसे हुआ जैसे पता नहीं कोई पानी की लेयर जा रही हो, जैसे अगर हम पानी के अंदर ऐसी करके करे तो ऐसे गोल गोल बनता है ना, वैसे पूरा गोल गोल बना, पूरी अर्थ पे धमका गया। टीरेक्स एंकलोसोरस सारे किस्म के डायनासोर मर गए थे।
आप सोच रहे होंगे डायनासोर को अल्लाह ताला ने क्यों खत्म किया, क्योंकि वो तो अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं लोगों को। तो भाई क्यों खत्म हुए? अल्लाह ताला ने इसलिए खत्म किए थे क्योंकि इंसान को, हर कोई जानवर इंसान आगे बढ़ सके, दुनिया आगे बढ़ती जाए, जैसे कि इंसान भी खत्म होते हैं, जैसे कि पिछले पिछले बहुत सारे इंसान खत्म हुए थे, फिर आगे आगे दुनिया बढ़ती जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने डायनासोर को भी खत्म किया, ड्रैगन्स को भी खत्म किया था, उसके बाद फिर डायनासोर आए, फिर उसके बाद इंसान आए, फिर और ज्यादा इंसान आते गए और टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा बढ़ती गई और भाई दुनिया भी आगे बढ़ती गई, इसलिए अल्लाह ताला ने डायनासोर्स को, मतलब जो सब पिछले पिछले वक्त में जान अर्थ पे जानवर मॉन्स्टर राज कर रहे थे, उनका राज भी खत्म हो जाए, फिर आगे दुनिया बढ़ती जाए। अगर डायनासोर अभी तक होते तो डायनासोर हमारा शिकार कर करके अपना राज करते, फिर हम मर जाते सारे, वो सबका शिकार कर गए होते, और जो पानी में रहने वाले होते हैं वो सारी हमारी मछलियाँ खा जाते हैं, खाने अगर हमें मछलियों की तादाद खत्म हो जाती, कम हो जाती, अभी शार्क्स की भी, बहुत समुद्री जानवरों की, अभी जो पेड़ पौधे खाते हैं उन, हमारा फिर फ्रूट्स वेजिटेबल का भी बहुत कम हो जाएगा, वो पेड़ पत्ते खाते जाएंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको भी खत्म किया था, जैसे ड्रैगन मॉन्स्टर्स बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को खत्म किया था। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नहीं, टेरेक्स से मुझे देख लिया, भागो।